जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले राउंड के नियम से नेगेटिव तथा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोस्तों विचलन दिखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये टॉपिक, क्योंकि थ्योरी वाले दोस्तों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जो टॉपिक है आपके लिए समझना हो जाएगा बहुत ही आसान। इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, बस वीडियो में हमने आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है दोस्तों धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन राउल के नियम से, कि आपको ये जिंदगी भर आप इसे नहीं भूलोगे, आपको याद हो जाएगा बोर्ड एग्जाम तक। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। चलिए वेट नहीं करते, कर देते इस वीडियो को स्टार्ट, कर देते ये जो टॉपिक का आपका पूरा क्लियर। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, जो सॉल्यूशन विलयन आपका है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 12 का, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हेनरी का नियम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा राउल का नियम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ओके, फिर उसी के बाद दोस्तों अनादर्श विलयन में ही हमारा आता है ऋणात्मक तथा धनात्मक विचलन राउल के नियम से। ओके, हमने देखा था कोई भी अगर हमारा क्या होता है आदर्श विलयन होता है, एक रिविजन दे रहे जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आए। एक आदर्श हमारा विलयन होता है दोस्तों, एक होता है हमारा अनादर्श विलियन, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये बस समझिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए हलवा हो गया। अगर आपने देखा हुआ है तो रिवीजन एक टाइप से समझ लीजिए। ओके, तो आदर्श विलियन में ये होता है ना कि जो हमारा राउल भाई साहब कहते हैं कि जो हमारा विलियन का जो पूरा वास्तविकता होता है, राउल के अनुसार दोस्तों विलियन का पूरा वास्तुदाब क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर होता है, जो कि राउल के नियम में हमने ये सभी चीजें निकाला था, इसके बराबर होता है राउल के नियम के अनुसार। तो दोस्तों आदर्श विलियन हमारा वही होता है जो राउल का नियम का पालन करता है, यानी राउल भाई साहब ने जो कहा है विलियन का वास्तुदाब इतने के बराबर होता है तो इतना का बराबर होगा दोस्तों आदर्श विलियन में। लेकिन अनादर्श विलियन में हमने देखा था कि राउल का नियम का पालन नहीं हो रहा था, राउल भाई साहब ने कहा था कि जो विलियन का वास्तुदाब है वह इसके बराबर होता है, लेकिन अनादर्श विलियन भाई साहब ने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं है, आप जो कहोगे वो हम मानेंगे नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके नियम का पालन नहीं करेंगे। यानी अनादर्श विलियन में होता क्या है, राउल का नियम का पालन नहीं होता, यानी कि विलियन का वास्तव हमारे इसके बराबर नहीं होता है। तो इसमें हमारे दो केस निकल कर आते हैं, अभी तक तो हमने केवल इतना ही चीज पढ़ा था, इसमें भी हमारे दो केस निकल कर आते हैं। भाई अगर आप राउल के नियम का पालन नहीं करोगे, यानी कि आप के लिए जो विलियन आपका बनेगा उसका वास्तुदाब कुल इसके बराबर नहीं होगा, अगर इसके बराबर नहीं होगा तो जो विलियन का वास्तुदाब है दोस्तों या तो वह इससे बड़ा होगा, ये जो चीज लिखा हुआ है दोस्तों इससे बड़ा होगा अगर इसके बराबर नहीं होगा, या फिर हो सकता है भाई साहब आपका जो वास्तुदाब है वह क्या हो, जो ये लिखा हुआ है उससे कम हो, ये दो केस बन सकता है कि नहीं, आप अपने खुद से बताओ कि सर यहां पर अगर बराबर नहीं है तो अनादर्श विलियन में ये बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या फिर क्या हो जाए दोस्तों इस चीज से हमारे बड़ा हो जाए ये विलियन का वास्तुदाब, या फिर इस जिससे दोस्तों हमारा छोटा हो जाए। और जब दोस्तों हमारा ये बड़ा हो जाता है, इसी सिचुएशन को इसी केस को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, धनात्मक विचलन, किस नाम से जानते हैं धनात्मक विचलन। ओके, याद रहे। और यहां पर जब हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए यानी कि कम हो जाए, कम से समझिए यानी छोटा हो जाना, निगेटिव हो जाना हो, तो ये हमारा ऋणात्मक विचलन हम इसको नाम दे देते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया राउल के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन निकला कैसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी ये हम फ्रेंड्स अनादर्श विलियन में जो जो हमने दोस्तों देखा था कि इसमें जो हमारा विलियन का वास्तुदाब होता है वो बराबर नहीं होता है, इसके जो डेल्टा वी मिक्सचर होता है वह जीरो के बराबर नहीं होता है, जो डेल्टा एच होता है वह जीरो के बराबर नहीं होता है, वो धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा, धनात्मक में गेट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा वी मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा जीरो से बड़ा हो जाएगा, डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा जीरो से बड़ा हो जाएगा, ऋणात्मक में क्या होगा कम हो जाएगा, यानी डेल्टा वी मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा जीरो से छोटा, डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा जीरो से छोटा। ओके, ये सभी चीजें होंगी, ये तो हमने टेलर दे दिया है। आप चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इसके पिक्चर को भी समझ लेते हैं, विथ ग्राफ समझते हैं। ओके, डोंट वरी, जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए डिसीजन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है क्लास 12th फर्स्ट केमिस्ट्री का, जितना भी सारा हमने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ये सभी जो हमने इसके पहले बनाए हुए वो सभी वीडियोस आपको उस लिंक पर मिल जाएगी, जरूर जाके अच्छे से देखिए और पढ़िए, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हमने कवर किया हुआ है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं बारी बारी कर धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन, जो कि अभी अभी हमने टेलर पे समझा इस वीडियो के। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन का मतलब हमने समझ लिया कि इसमें जो हमारा विलयन का जो वास्तुदाब होता है फ्रेंड्स
वह हमारे इस चीज के क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। धनात्मक का मतलब ही समझिए, धनात्मक यानी कोई चीज बढ़ जाना, यानी कि जो विलियम का वास्तव है वह ज्यादा हो जा रहा है इस चीज से जो राहुल ने बताया था। ओके, तो वही चीज हमने लिखा हुआ है दोस्तों, ये नोट आप जरूर करिएगा इस सभी पॉइंट को जो हमने बताया है। इस धनात्मक विचरण में लिखा हुआ है कि इस विलियन में प्रत्येक अवयव, चाहे वो विलायक को आप सभी जानते हो ना, हम ए से डिनोट करते हैं, पूरे चैप्टर में हम ए से डिनोट करेंगे विलायक को, तथा विलियन जो विलय होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव, चाहे वो विलायक हो चाहे वो हमारा विलय हो, इसके जो वास्तव दाब है वह राउल के नियम से निर्धारित वास्तव से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। और इस वाद का दोस्तों यही मतलब है कि जो विलियन हमारा बना है उसका वास्तव दोस्तों राउल के नियम ने जो कहा है इससे ज्यादा हो जा रहा है, इस बात का यही मतलब हुआ। ओके, दूसरा का पॉइंट दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विलियन में जो आपका ए बी आकर्षण है इससे भी अधिक हमारा क्या होता है दोस्तों, इसके आकर्षण से भी अधिक आपका क्या होता है विलायक, तथा विलियन में जो आपका ए एवं बीबी के बीच आकर्षण होता है वो होता है, क्योंकि हमने आदर्श अनादर्श विलियन से ही हम दोस्तों इन सभी चीजों को समझेंगे, इसलिए आदर्श एवं अनादर्श विलियन को जरूर समझे। अनादर्श विलियन में हमने क्या देखा था दोस्तों, अनादर्श विलियन में हमने देखा था कि जो हमारा ये सभी चीजें हैं इनके बीच आकर्षण, जो हमारा विलय बन रहा है विलायक, जो हमारा विलायक होता है विलायक को ए से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, वो विलायक में हमारा क्या होता है उसके मॉलिक्यूल होते हैं, उनके कण होते हैं, तो उनके कणों के बीच क्या होता है आकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो विलायक के बीच में आकर्षण होता है, जो हमारा विलय होता है फ्रेंड्स, विलय उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है वह हमारा क्या होता है बराबर नहीं होता है दोस्तों। जो विलियन बनाए हमारा उसमें ए भी होगा बी भी होगा उनके बीच आकर्षण की। ओके, ये अनादर्श विलियन में हमने देखा था, लेकिन जब हम अनादर्श विलियन में ही जाकर धनात्मक विचलन देखेंगे तो इसमें हमारा धनात्मक यानी कि उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये जो आकर्षण है बराबर नहीं होगा धनात्मक विचलन में अनादर्श के, उससे ज्यादा हो जाएगा। जब हम बात करेंगे दोस्तों धनात्मक विचलन उससे ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। ओके, और दोस्तों इसी कारण दोस्तों हमारा जो विलियन बनता है उसका जो आयतन होता है वो प्रारंभ से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो डेल्टा वी है मिक्सचर जो बना है दोस्तों उसका जो आयतन होता है उसका अंतर वो जीरो से हमेशा बड़ा होता है। इसका क्यों हमारा दोस्तों इसका आयतन दोस्तों प्रारंभ से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पहले देखिए जो हमारा विलय विलायक एवं विलय है इन दोनों से मिलकर आपका क्या बना है दोस्तों विलियन बना हुआ है। हाँ, विलियन बना हुआ है, और विलियन के बीच में देखिए दोस्तों जो बल है वो क्या है दोस्तों कम है, देख रहे हो ना यहाँ पर बल ज्यादा है इन दोनों के बीच में, तो इनका बल ज्यादा है, दो चीजों के बीच में बल ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे दोस्तों आयतन कम घेरेंगे, अगर इनके बीच में बल कमजोर होगा तो वो थोड़ा बहुत फैलेंगे तो आयतन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है होता है बल हमारा इन दोनों के बीच में इनसे कम होता है, तो ये भाई अगर ऐसे ऐसे इनके अणु क्या है एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए हैं तो इनके बीच आयतन कम घेरेंगे, लेकिन जब ये क्या हो जाएंगे दोस्तों इनके बीच का बल कम हो जाएगा, जो कि विलियन में हमारा देख रहे हो कम हो जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत फैलेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो दोस्तों मिक्सचर का जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है, या कह सकते हो जो हमारा डेल्टा वी होता है आयतन में परिवर्तन वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि बढ़ रहा है यानी कि आयतन बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है जीरो से बड़ा है अंतर, ये मतलब हुआ। ओके, और यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो डेल्टा एच है वह भी हमेशा क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, डेल्टा ऊर्जा का अवशोषण होगा, ओवरऑल धनात्मक विचलन जहां भी लिखा हुआ है उसमें सब चीजें क्या हो जाएंगी दोस्तों ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगी, बस ये ध्यान रखना है आपका, यानी कि अधिक हो जाएगा धनात्मक में हर चीज, जो अनादर्श विलियन में हमारा क्या था इक्वल नहीं था वह इसमें अगर आदर्श धनात्मक विचलन देखेंगे तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट अभी हम ऋणात्मक विचलन देखेंगे तो उसमें बस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है दोस्तों। ग्राफ वगैरह को भी देख लेते हैं आपके बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में, आदर्श विलियन के लिए ग्राफ अगर आपको पता है तो आप जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव विचलन इसके लिए ग्राफ आप आसानी से बना दोगे। ओके, ग्राफ इसके लिए जो आप क्या करोगे आसानी से बना लोगे दोस्तों अगर आपको आदर्श विलियन का ग्राफ पता है। देखिए कैसे बनता है ग्राफ भी आप समझ लीजिए इस वीडियो में, कैसे ग्राफ हम बनाते हैं, ये क्या है दोस्तों मानते हैं जो हमारा विलय विलायक है उनका वास्तव लेते हैं, यहाँ पर वास्तव विलय ए का, यहाँ पर वास्तव बी का, और ए एवं बी का जो वास्तव होता है वो राहुल के नियम से पी नॉट हमारा ए एक्स ए एवं पी नॉट हमारा बी एवं एक्स बी होता है, ये होता है। हाँ, तो यहाँ पर मोल हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हम मोल क्या लेते हैं बी का हम जीरो लेते हैं, यहाँ पर मोल हम बी का एक हो जाता है, बढ़ रहा है ना यहाँ से, अगर बी का मोल जीरो है यहाँ पर तो यहाँ पर बी का मोल एक हो जाएगा, तो यहाँ पर बी का जो वास्तव है उसका ग्राफ हम पहले बनाएंगे। देख रहे हो ना जो वी का वास्तव है दोस्तों वह मोल पर डिपेंड करता है, बी का जो वास्तव है फ्रेंड्स वह डिपेंड करता है मोल पर, यानी कि यहाँ पर अगर बी का जो दोस्तों मोल क्या है जीरो है तो वास्तव भी क्या होगा जीरो होगा, और जब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर
जो बी का मोल हमारा क्या एक है, तो वाजदाब भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वाजदाब है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब जीरो था तो जीरो था, जब हमारा बी का जो मोल है दोस्तों एक हो गया है, दोस्तों बी का जो मोल है हमारा यहाँ पर अगर एक हो गया है तो वाजदाब बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, वह भी एक हो जाएगा। यानी कि सिंपली यहाँ पर इसको टच कर जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ग्राफ। ओके, यहाँ से अगर वाजदाब यहाँ पर एक के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिंपली उसी तरह, यहां पर अगर ए का मोल हम क्या ले लें दोस्तों, जीरो ले लें यहां पर, तो इसका वाजदाब भी अगर आप देखोगे यहां पर जो पी का वाजदाब है वह भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है इसके मोलों की संख्या पर। अगर यहां पर मोल की संख्या ए की जीरो है तो यहां पर वाजदाब भी जीरो होगा, लेकिन जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मोल बढ़ता जाएगा। यहां पर ए की मोल हम एक ले लेंगे तो यहां पर जब एक हो गया तो दोस्तों तो इसका वाजदाब हमारा सिंपली इसके बराबर हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ए की मोल हमारा एक हो जाएगा तो इसका वाजदाब पी ए के बराबर हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ओके, जब जीरो था तो जीरो है वास्तव, जब एक हो गया तो हमारा इसके बराबर हो गया, ये ग्राफ हमारा दोनों के लिए हमने बना लिया। ओके, इस तरह बनता है। और यहाँ पर एक अगर आप ये लाइन खींच देंगे फ्रेंड्स, ये लाइन आपका क्या हो जाता है, पी टोटल होता है पूरे विलियन का वास्तव। ओके, ये होता है, इस तरह ग्राफ बनता है आधा सिविलियन का। ये आपका जो ग्राफ है वो पी नॉट पी बी का है, पी वास्तव बी का ग्राफ है जो इस फॉर्मूले से हमने बनाया है, और ये जो ग्राफ है वो हमारा पी बी पी ए का ग्राफ है जो इस फॉर्मूले से हमने बनाया है देखकर। और ये जो बना हुआ है दोस्तों इन दोनों के बीच का ये लाइन आपका क्या है, पूरे विलियन का वास्तव के बराबर है, यानी इन दोनों को जोड़कर। ओके, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अनादर्श विलियन में अगर धनात्मक विचलन दिखेंगे, इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है, धनात्मक मतलब कि हर चीज इसमें क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। जो विलियन का वास्तव है पी टोटल, इस केस में जो हमारा पी टोटल क्या हो रहा है, पूरे विलयन का वाजदाब जीरो से बड़ा हो रहा है। ओके, इन सभी का वाजदाब जो अव्यय है, विलय है वो चाहे विलायक हो, उन सभी का भी हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा वाजदाब। ओके, यहां पर बड़ा हो जा रहा है यहां पर, यानी कि यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जो आप कह रहे हो ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन दोस्तों नहीं बनेगा यहां पर उस केस की तरह। ओके, पर हर चीज क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो जा रहा है, यानी यहां पर जो ग्राफ स्टार्ट होगा वह स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ दोस्तों थोड़ा सा ग्राफ इस तरह बनेगा। देखिए इस तरह थोड़ा बड़ा हम दिखाएंगे, इस ग्राफ से क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर दोस्तों जब हमारा वाजदाब है वह क्या हो रहा है दोस्तों, बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है हमेशा हमेशा। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, बराबर नहीं है, बड़ा है, ये दिखा रहा है। ओके, इस तरह यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हर पॉइंट पर दोस्तों जो वाजदाब है वह राहुल का नियम का पालन नहीं कर रहा है। राहुल का नियम कहता है वाजदाब ये होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पर ज्यादा आ रहा है उससे। यही है दोस्तों धनात्मक विचलन का, विलियन वाले का ग्राफ इस तरह बनता है। इस तरह अगर आप देखोगे पी टोटल ग्राफ यहाँ पर सीधा बना है, लेकिन नहीं, राहुल का नियम यहाँ पालन हो रहा है आदर्श विलियन में, लेकिन अनादर्श विलियन में क्या हो रहा है, जो वाजदाब है पूरे विलियन पड़ा है, यानी कि स्टेट लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह इसके लिए भी उभरा बनेगा, ये पी टोटल का ग्राफ हो जाएगा, ये आपका पी बी का ग्राफ हो जाएगा, ये आपका पी ए का ग्राफ हो जाएगा, जो कि बड़े हैं सब चीजें। ओके, तो ये ग्राफ अपने कॉपी में जरूर ड्रॉ करें और ये सभी पॉइंट जरूर नोट डाउन करें। वैसे इन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन सभी का नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, जाकर वहां से डाउनलोड जरूर करिएगा, लिखिएगा। तो अगर आपने धनात्मक विचलन को समझ लिया है तो दूसर का राहुल के नियम से जो सकारात्मक विचलन है वो आपके लिए और भी आसान हो गया, बस उसके अपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जो टोटल प्रेशर बन रहा है विलयन का वो हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ये भी इन सभी चीज से कम हो जाएगा, आप इसको पढ़ भी सकते हो, समझाने की इसमें कुछ जरूरत ही है नहीं अगर आपने धनात्मक विचलन को अच्छे समझ लिया। और यहाँ पर भी वही चीज होगा, जो हमारा विलायक है, जो हमारा विलय है, उसमें अणुओं के बीच में जो बल है दोस्तों वह क्या हो जाएगा दोस्तों, जो विलयन बना है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब विलयन में दोस्तों जो बल है दोस्तों अणुओं के बीच में वो ज्यादा है, यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अब इस स्थिति में सकारात्मक विचलन में। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं जो प्राप्त हमारा विलयन होगा उसमें अणु क्या हो जाएंगे दोस्तों, फैल जाएंगे, नहीं फैलेंगे वहां पर इस स्थिति में। इसका मतलब यही है कि जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ है उसमें अणु फैल जाते हैं नहीं, यानी कि अणु फैलते नहीं है, फैल नहीं पाते हैं, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, और भी कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आयतन घट जाता है, तो डेल्टा जो आयतन है दोस्तों वह घट जाता है, यानी कि जो मिक्सचर का जो आयतन है डेल्टा परिवर्तन विद्युत के आयतन में वह हमेशा नेगेटिव होता है। घर बताइए डेल्टा एच क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा? तो आप कहोगे सर सकारात्मक विचलन है, और सकारात्मक विचलन में हर चीज क्या हो जाती है, घट जाती है, कम होता है, यानी कि यहाँ पर भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा। यानी इस स्थिति में जो ऊर्जा होता है दोस्तों आपका, उसका क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है तो उत्सर्जन होता है, और यही पॉजिटिव होता है तो अवशोषण होता है उस वाले पहले वाले केस में। ओके, तो ये हमने देख लिया।
अब बात करें इसके लिए भी ग्राफ, तो वही स्थिति वही ग्राफ बनेगा दोस्तों। इसके लिए भी यहाँ पर पहले हमारा बी को हम यहाँ पर जीरो लेंगे, फिर धीरे 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 बी हमारा क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो बी अगर हम आदर्श विलयन के लिए बनाए तो हमारा कुछ इस तरह बनेगा दोस्तों ग्राफ, अगर हम आदर्श से हमने ये बनाया था पहले। ओके, अब बात करें यहाँ पर अनादर्श विलयन में, क्षीणात्मक विचलन में। क्षीणात्मक विचलन में आपको अभी हमने पढ़ा है जो हमारा पी टोटल है वो हमारा कम हो जा रहा है दोस्तों। जो हमारा पी ए है उस सभी वह सभी भी हमारा कम हो जा रहा है, पी बी भी हमारा कम हो जा रहा है। यानी कि राहुल भाई साहब जो बता रहे इस पॉइंट में वास्तव हमारा ये होना चाहिए, यानी कि रियलिटी में वो उस पॉइंट पर जो वास्तव है दोस्तों वो हमारा इससे भी कम होगा दोस्तों। यानी कि ग्राफ आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ क्या होना, थोड़ा सा ऐसे झुका होना चाहिए, तभी ना हमारा इस पॉइंट राहुल के नियम का विरोध होगा, कम हो जाएगा वास्तव। कुछ हमारे इस तरह झुका होना चाहिए अनादर्श विलयन में, और वही होता है यहाँ पर जो हमारा होता है ग्राफ वह क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है उस वाले केस से, क्योंकि निगेटिव है, कम करना है हमें सभी चीजों का वास्तव। यानी कि थोड़ा सा हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ना बनाकर हम इस तरह थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह झुका हुआ बनाएंगे, जिससे मालूम चलेगा राहुल भाई साहब अगर करें इस पॉइंट पे वास्तव ये होना चाहिए, रियलिटी में अगर ग्राफ में अगर हम देखें इस पॉइंट पे वास्तव क्या उससे भी कम है। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, इस तरह थोड़ा झुका हुआ ग्राफ बनाएंगे, इस तरह स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। ओके, और पी टोटल का ग्राफ क्या बनेगा, पी टोटल के लिए स्ट्रेट लाइन है, यानी इससे थोड़ा सा झुका हुआ ग्राफ बनाएंगे ये इस तरह। ओके, तो ये हमने ग्राफ बना दिया, पी टोटल का ग्राफ हो जाएगा, ये पी बी का हो जाएगा, ये पी ए का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये ग्राफ कॉपी में जरूर बनाए, पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया राउंड के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन। तो दोस्तों क्या हुआ, आज की इस वीडियो में यही खत्म करते हैं, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आएगा दोनों चीजें, ऋणात्मक एवं धनात्मक विचलन दोनों। दिल से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके और भी जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो, टाइम टू टाइम हमेशा आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। ओके, तो आप मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर, अपने दोस्तों को शेयर, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके, तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।